में झगड़ा क्यों कर रहा था? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्योंकि अल्लाह ने उसे मुल्क अता फरमाया। अल्लाह ने बादशाही दिया तो वो अल्लाह के मामले में झगड़े करने लग गया। वो कहते हैं मैं ही रब हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है, तो बेवकूफ़ ने दलील क्या दी? नमरूद कहने लगा मैं रब हूँ, तो फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है, तो कहता मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ, दलील क्या है? एक सजाए मौत का कैदी मंगाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा भी तुम्हारी सजा क्या थी? वो कहने लगा कल परसों फांसी होने वाली थी। कहने लगा जाओ तुम आज़ाद हो। कहने लगा देख लो मैंने ज़िंदगी दे दी ना, हालांकि ये परसों मर जाता। और एक बेगुनाह को पकड़ा, तलवार मारी और कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी तो ज़िंदगी और मौत देता हूँ। अब हज़रत इब्राहीम उसकी इस दलील पर एतराज़ कर सकते थे, आपने ख़ास गौर करना है बात पर, एतराज़ कर सकते कि तू पागल है, जिंदगी तो ये है ना कि जिसको तलवार से मारा उसे उठा के दिखा। ये एतराज हो सकता था, लेकिन जब कोई बेवकूफ बेवकूफों जैसी दलील देना तो इल्मे मुनाजरा का उसूल ये है कि फिर उसे उसकी जुबान में जवाब दिया जाता है। फिर उसे यानी फिर उसको ये नहीं आप कहेंगे कि ये तूने क्या किया। अब जिस तरह का मुंह होगा थप्पड़ भी, ये बुजुर्गों की मिसालें हैं ना। तो उसने कहा जी देखो मैंने भी बंदा एक जिंदा कर दिया एक मार दिया है। तो अब ये उसकी बेवकूफ़ों जैसी दलील थी, लेकिन चूंकि बंदा ही बेवकूफ़ था तो इसकी उसको समझ नहीं आनी थी। तो हज़रत इब्राहीम ने दलील बदल ली और आप फरमाने लगे चलो फिर अगर यही बात है तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है ना तो इस तरह कर फाती बिहा मिनल मगरिब, तू इसे मगरिब से निकाल। चल ये तो तूने जिंदा मुर्दा करके दिखा दिया ना, तू इसे तू मगरिब से निकाल। फबुही तल्लजी काफर, तो काफिर परेशान हो गया इसलिए कि वहां से निकाल सकता नहीं था। तो जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं ना तो उलझे नहीं, बात ऐसी करें जिसका कोई जवाब मौजूद ना हो। यहां मुफस्सरीन ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर वो ये कह देता ना यहां पे, क्योंकि बेवकूफ था ना कह नहीं सका, अगर कह देता ना कि मशरिक से तो मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहें वो मगरिब से निकाले, तो मुफस्सरीन कहते हैं अगर हजरत इब्राहिम फरमा देते ना तो रब करीम ने सूरज मगरिब से भी निकाल देना था। लेकिन फबुही तल्लजी कफर, वो यहीं पे ना रह गया। अल्लाह के बंदे हैं ना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक दहरी आ गया। वो कहता था कि सारी मखलूक खुद ब खुद बनी है। तो इमाम साहब ने भी इल्मे मुनाजरा के साथ उसके साथ गुफ्तगू की। वो कहने लगा जी खुद बन गया सारा कुछ। तो इमाम साहब कहने लगे चल छोड़ कल बात करेंगे तेरे साथ। वो कल दोबारा आया तो इमाम आजम दरिया के किनारे खड़े थे। कहने लगा इमाम साहब बड़े परेशान खड़े हो। तो आप फरमाने लगे परेशान इसलिए हूं कि मैंने अजीब ही नज़ारा देखा है। अभी अभी एक दरख्त खुद ब खुद कटा है और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद रंदा चला है, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद दरिया में उतरी है और खुद ब खुद कुछ बंदों को इधर लेके आने लग गई है, कुछ को यहां से उधर लेके जाने लग गई है, सारा कुछ खुद। वो कहने लगा हुजूर सियाने ब्याने बंदे हैं, कभी कश्ती भी खुद ब खुद बनी है, कभी बंदे खुद ब खुद इधर से उधर भी गए हैं। आप फरमाने लगे कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? और अगर बंदे इधर से उधर खुद ब खुद नहीं आ सकते तो तू बता ये सूरज और चांद खुद ब खुद इधर से उधर कैसे रोज चले जाते हैं? थोड़ी देर चुप रहा, फिर आके इमाम आजम के हाथ चूमे और कहने लगा आपने तो कमाल कर दिया, मेरा जहन साफ हो गया, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं भी मदीने वाले महबूब का गुलाम बन जाता। तो पक्की दलीलों के साथ गुफ्तगू करता है कुरान पाक, पक्की दलीलें। ये आए सबक ये देती है कि आप किसी से बात करें तो, अब चूंकि सिपारा लंबा है बात रहे ना जाए, पर ये मजमून इतना शानदार है कि मेरा यहां रुकने को दिल करता है। वो हमारा नजरिया ये है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कोई सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। हमारे पास दलील है, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो,
और हुजूर का फरमान मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील उस तरह की दो के सामने वाले के जहन तक बात पूरी उतर जाए, आप उसे समझा पाए। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए, 15-20 लोग थे। एक किधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, किधर से बोलता पढ़नी चाहिए, कुधर से बोलता। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे, तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है, इस तरह बात करते हैं किसी के सामने? मैं अकेला हूं और तुम 15 लोग हो, कोई उधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है, तरीका करो कोई बात का। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुहज्जब हो गए। तो इमाम साहब कहने लगे एक बंदे को मुंतखब करो, वो मेरे सामने आए। उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया, वो कहने लगा जनाब ये हमारा नुमाइंदा है, ये अगर जीत गया तो हम सारे जीत गए, ये अगर हार गया तो हम सारे। तो इमाम साहब कहने लगे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे जी सारे बोलेंगे तो समझ ही ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो इमाम साहब कहने लगे मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरात अल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम पे है। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो इमाम आगे लगा लिया ना उस पर एतबार करो, उस पर एतबार करो। तो दलील वो दें कि जो दलील सामने वाले के जहन में उतर जाए। चले जी थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लाह करीम ने ना आगे एक और मिसाल बयान की। ये जो बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्याल आता है ना, कब्रों में जाएंगे हड्डियां गल जाएंगी सड़ जाएंगी तो कैसे उठेंगे, तो इसी पारे की आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला ने हमारा वो मसला भी हल किया और दो वाकयात तफसील के साथ तीसरे पारे में बयान फरमाए। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जो एक ऐसी बस्ती पर से गुजरा, वाहिया खावियतुन अला उरूशिहा, जो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी, यानी बस्ती तबाह हो गई थी। वो आदमी वहां से गुजरा, वो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे। बहुत सारे मुफस्सरीन के नजदीक, बाद ने यह लिखा है कि चूंकि यहां अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया तो हम भी किसी को मखसूस नहीं करते, लेकिन कसीर की तादाद यह है कि हजरत उजैर थे, आप गुजरे एक बस्ती में तो आपने देखा कि वह बस्ती तबाह हाल हो गई है और जमीन पलट दी गई है, छतों के ऊपर लोग मरे हुए पड़े हैं। तो आपके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह तू इन्हें कैसे जिंदा करेगा, बाद मौतिहा, मरने के बाद ख्याल आया। अल्लाह करीम ने ना उन्हीं पे मौत तारी कर दी, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम पे। उनके पास थोड़ा सा खाना था, एक गधा था, दरख्त के नीचे लेट गए, गधे को बांध के अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी की और वो 100 साल तक सोते ही रहे। वो बेआबाद बस्ती आबाद हो गई, वहां शहर आबाद हो गया, दुनिया आबाद हो गई, जमाना आबाद हो गया। आप जब सोए तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी, 100 साल के बाद उठे, सुम्मा आसा, जब उठे काला कम लबिस्ता, अल्लाह ने फरमाया कितनी देर सोए, काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, कहने लगे या एक दिन सोया हूं या दिन का थोड़ा सा हिस्सा। तो रब करीम ने फरमाया नहीं, आप तो 100 साल तक सोए रहे। फरमाया वो देखो जरा गधे की तरफ, वो गधा जो था ना उनका वो गल सड़ गया, हड्डियां बिखर गईं, और वो जो खाना था ना फल थे, शरबत था, सालन था, उसका हाल ये है कि लम या तसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ। ये है मेरे रब की कुदरत, जिसने पहले गल सड़ जाना था वो बासी भी नहीं हुआ और वो गधा उसकी हड्डियां भी बिखर गईं। तो रब करीम ने फरमाया समझ आई है मैं मुर्दे कैसे जिंदा करूंगा, अर्ज की या अल्लाह ऐसी समझ आई है जो कभी भूलेगी भी नहीं। 100 साल तक सोए रहे। ये बड़ा लतीफ वाक्य है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठ के ना तो अपने घर गए तो कोई पहचानता ही नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी उसको जाके सलाम ली, तो आप फरमाने लगे उस अम्मा से ये उज़ैर का घर है? तो अम्मा फरमाने लगी हाँ है तो उज़ैर का, लेकिन वो तो 100 साल पहले गायब हुए, दोबारा आए ही नहीं। आप फरमाने लगे अम्मा मैं हूं उज़ैर। अम्मा कहने लगी कि उज़ैर की तो हर दुआ कबूल होती थी, अगर आप उज़ैर हैं ना तो दुआ करें, मेरी टांगें जवाब दे गई हैं, आंखों से नजर नहीं आता, आप दुआ करें, अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। तो हजरत उज़ैर ने दुआ की तो रब ने उन्हें शिफा दे दी।
हजरत उजैर की उम्र उस वक्त भी 40 साल थी। हजरत उजैर की उम्र जब गए तब भी, वापस आए तो, और हजरत उजैर का बेटा उनसे मिला तो उसकी उम्र 118 साल थी। पोते भी बूढ़े थे। लोगों ने हजरत उजैर अलैहि सलाम से कहा ये क्या है, फरमाने लगे ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे रब की कुदरत है। आज भी आप देख लें कि कुछ लोगों के बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होते, और कुछ 17 साल के 16 साल के नौजवान हैं तो सारा साल उनका सफेद हो जाता है, अलामत वो आ जाती हैं जो बूढ़ों में होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हमारी कुदरत है, इस तरह करके हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। जब मोमिन कब्रों से उठेंगे ना, मोमिन आंख खुलेगी तो कहेंगे सवेरा हो गया, जैसे अभी सोए थे ना, कहेंगे दिन चढ़ गया। तो अल्लाह फरमाएगा हाँ दिन भी चढ़ गया है और रब रसूल के दीदार का नजारा भी तुम्हें दिया जाएगा, उठो बड़ी शानदार सुबह हुई है। और काफिर जब उठेगा तो कहेगा ओहो अब मेरे लिए क्या नई सजा है। तो इससे बिल्कुल आगे मुत्तसिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया इसी पारे में जिक्र किया गया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, तो रब करीम ने फरमाया यकीन नहीं। अर्ज की या अल्लाह इत्मीनान कल्बी के लिए, एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हकुल यकीन होता है। कहा या अल्लाह मैं इत्मीनान कल्बी के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया चार परिंदे ले लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे लिए, कुछ ने लिखा है कव्वा था, मोर था, मुर्गी थी, कबूतर था, मुख्तलिफ नाम आए। वो चार परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर चार मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गए ना आपस में, अब तुम आवाज़ दो। हजरत इब्राहिम ने आवाज़ दी और रब ने जिंदगी दी, और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हजरत इब्राहिम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहिम जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूंगा। मैं एक फलसफी को पढ़ रहा था, ये हमारे जदीद दौर के फलसफी बड़े अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं जी हवा ऐसी चलती है कि इंसान कब्र में होता है तो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो कोई भी नहीं बचता। और फिर आप कहते हैं कि कुछ को अजाब होता है, कुछ को सवाब होता है, तो कब्र के अंदर जब मुर्दे चले गए तो आप ये भी कहते हैं बाद लोग के एक कब्र से 70-70 उठेंगे तो एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है, ये क्या माजरा है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है कि ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी को ठंड लग जाती है सर्दियों के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, बल्कि कोई मुझे कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारी सर्दियाँ स्वेटर नहीं पहनते फिर फौत हो जाते हैं, और कईयों ने 6-6 पहने होते हैं फिर भी दांत के साथ दांत बाजरा होता है। वो कहते हैं तौबा तौबा बड़ी ठंड है। ये भाई आबो हवा एक ही है, लेकिन वजूद के असर कबूल करने के मामलात भी और ही है। यही मामला कब्र में होगा। देखे ना हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के गधे ने भी आबो हवा लिखी और खाने ने भी, तो गधा गल सड़ गया पर खाना गला सड़ा। दूसरी बात यह कि कब्र में बंदे इकट्ठे हैं तो किसी को अजाब तो किसी को सवाब। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दो भाई अगर एक पलंग पे सोए हों तो एक ख्वाब में लाहौर होता है, दूसरा पिशावर होता है। सोए कहाँ होते हैं? इकट्ठे एक पलंग पे। वो एक कहता है मैं रात को लाहौर था, और दूसरा कहता है नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो पिशावर था। तो होते कहाँ हैं? तो अगर एक जगह पर आप मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी तौर पर कहीं का कहीं पहुँचा दिया है, तो इसी तरह कब्रों में भी अगर किसी को अजाब होगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, और अगर किसी पर रहमत होगी तो वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापस करूँगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाए ना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है, तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है।
लेकिन वहां लुट के बर्बाद होते हैं। रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आगे जब हम इस पारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना दो चीजों के बारे में अक्सर वरगलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फकर तंग दस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये दो काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अकलमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मैं यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वह मैं युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे हो जाते हैं पर जो अकल के जरिए किया जाए ना। शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास एक मन इलम है ना तो 10 मन अकल की भी जरूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन, एक मन शऊर के साथ, दानाई के साथ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी दानाई के साथ दीन फैलाया है, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। हुजूर ने, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूंगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कैसे इजाज़त मिलेगी, नमाज तो फ़र्ज़ ऐन है, हर नमाज की हर रकत का हर सजदा फ़र्ज़ है, और ये पूरी 3 नमाजों की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन हुजूर ने हिकमत से दीन फैलाया, दानाई से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अगर 2 नमाजें पढ़ोगे 3 ना पढ़ोगे तो कलमा तो पढ़ लोगे ना दिल से। हुजूर पढ़ लूंगा, फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ सही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसने 3 नमाजों की छुट्टी की शर्त पर कलमा पढ़ा, अभी पूरा हफ्ता नहीं हुआ था कि उसने 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी शुरू कर दी। उस शख्स ने फिर इशराक और चाश्त भी पढ़ी, वो सारी रात मुसल्ले पे भी बैठा। लिहाजा दानाई के साथ, घर भी आपका हिकमत से चलेगा, दानाई से चलेगा, दुकान भी आपकी हिकमत और दानाई से चलेगी। तो मुसलमान उसको नहीं कहते जो जज्बाती हो जाए, जो फटाफट मारने मराने पे उतर आए, उसको कहते हैं जो बड़ी दानाई के साथ हिकमत के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना 5वें से 6ठे रुकू में सूद की हुरमत बयान की, और अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सूद भी तजारत की तरह ही है, ये भी तो कारोबार ही है, फरमाया कयामत के दिन ये इस तरह खड़े किए जाएंगे जिस तरह किसी को शैतान छू लेना, शैतान छूता है तो वह आदमी यूं हो जाता है जैसे पागल हो गया है। तो इन लोगों को जो सूद और कारोबार को एक कहते हैं, इन्हें भी कयामत में पागलों की तरह खड़ा किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया सूद छोड़ दो जो बाकी रह गया है, इससे जान छुड़ा लो, और अगर तुमने ऐसा ना किया फाइलम तफालू, अगर तुमने ऐसा ना किया फाजनू बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तवील तरीन आयत कुरान मजीद की आयत नंबर 282, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जब भी तुमने लेन देन करना है उसे लिखना है। एक लफ्ज से ना मुझे तो कई दफा चिड़ी हो जाती है, वो लफ्ज है कि मुझे इतबार है। मैं कहता हूं कि वो वालदेन बड़े जालिम हैं जो कहते हैं मुझे जवान बच्ची अकेली कॉलेज जाती है तो मुझे इतबार है। जवान बच्चे को 10-20 हजार रुपया जेब में डाल के गली में भेज देते हैं और कहते हैं मुझे इतबार है। इसी तरह वो लोग भी बड़े जुल्म करते जो अपने भाई के साथ लेन देन करते हैं, तहरीर नहीं करते और कहते हैं मुझे इतबार है। अल्लाह को भी तो इतबार है ना अपने बंदों पे। तो रब फरमाता है मेरे बंदो जब लेन देन करो तो उसे लिख लो। ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। जब भी लेन देन करें उसे तहरीर करें, उसे तय करें, अच्छे तरीके से नोट करें, ताकि वो किसी जगह पर जाके भी कोई मामला भी कमजोरी का बायस न बने। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने यह भी इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्द, आगे जाके फरमाया कि जमीन आसमान में जो कुछ भी है उन सब का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया ना वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हम मालिक होते तो कयामत में हिसाब ना देते,
मालिकों ने कभी हिसाब नहीं दिया, हिसाब तो मुंशी देते हैं। अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें दी हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता सुम वाला तो सालिन आनिन नईम, कयामत में ना मैं तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करूँगा। तो ये सारी अमानतें हैं अल्लाह की, जितना कुछ हमारे पास है, वो कोई भी सलाहियत हो, कोई भी कुव्वत हो, तो उसको सही सही इस्तेमाल करें अमानत को। फिर मेरे अजीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सूरह मुबारका के आखिर में हमें एक दुआ सिखाई है, वो बड़ी शानदार दुआ है। हर चीज़ तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, पर उस दुआ के आखिरी लफ्ज़ ये हैं, वाफ़ अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा, और आखिरी लफ्ज़ ये हैं कि वग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना, और अल्लाह हम पे रहम फरमा, इसलिए कि अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है। फ़नसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के मुकाबले हमें हमारी मदद फरमा। तो फिर आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है। सूरह आले इमरान के बिल्कुल इब्तदा में अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुरान पाक में दो किस्म की आयात हैं, कुछ आयात बिल्कुल वाजे हैं और कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मुतशाबे हैं, जिनको समझने की ज़रूरत है। तो फरमाया जिनके दिलों में कजी है ना, खोट है, वो मुतशाबे आयात के पीछे जाते हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाजे हैं, कुछ को समझने की ज़रूरत है। तो दो लोग कुरान पढ़ पढ़ के फसाद बरपा करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं, वाज़े आयात की तरफ नहीं जाते। हमारे ज़माने में भी हम देखते हैं कि कौम ये जो वाज़े आयात हैं उन पर अमल नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी आयात, कुछ ऐसी बातें जिनको बड़ी गहराई और गहराई से समझने की ज़रूरत है, वो लेके आ जाती हैं, कहते हैं ये फ़लसफ़ा बयान करें। तो मैं क्या करता हूँ, जो सीधी सीधी चीज़ें हैं पहले उन पर अमल कर लो ना। नमाज़ें पाँच फ़र्ज़ हैं, वो पहले पढ़ो ना। माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ है, वो करो। हक सच बोलो, हलाल रोज़ी खाओ, जो है वो दयानतदारी का मुजाहरा करो। तो ये काम करो ना, फिर आगे फ़लसफ़े में भी चले जाएंगे, फिर मंतक की बातें भी छेड़ लेंगे। तो जो वाजे वाजे चीज़ें उन पर तो अमल कर लें, वो बारीकियों में जाना, पहेलियाँ जो है वो बुझाना और बड़ी बड़ी अजीब बातें करना, इनसे निकलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता कर। फिर इससे आगे जाके ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आया करीमा के अंदर हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला की वो पाक बाज़ बंदी हैं जिनकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह अगर तो मुझे बच्चा देगा ना, तो मैं वो तेरे रस्ते में दे दूँगी। ये हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ जनाब मरियम, अल्लाह की वलियाँ हैं। औरत नबी हो सकती, ये क्या हैं, अल्लाह की वलिया। तो हज़रत मरियम जब वो बच्चा पैदा हुआ, उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। ये कुरान मजीद है, ये तीसरा पारा है, और इसकी जो आयात हैं वो हैं आयत नंबर 34-35। इससे आगे जब आप चलेंगे तो ये सारा मजमून सूरह आले इमरान में आपको मिलेगा। तो जब आप की विलादत हुई तो बेटी पैदा हो गई, तो अब हजरत जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जो वालदा थी ना, वो इनको ले गई जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, वो इनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हजरत ज़करिया ने जनाब मरियम के लिए ऊपर छत पर एक मेहराब बना दिया, वो मेहराब के अंदर रहती थी, वहाँ इबादत करती थी। हज़रत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगंबर भी थे, वो वहाँ बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी ख़ास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। ज़रा देखें यहाँ भी बात खुल के कैसे वाजे आती है। हज़रत जनाब मरियम जब जवान हो गई, तो हज़रत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ बेमौसम फल पड़े हुए हैं, मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहाँ से आए। अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हज़रत ज़करिया ये कहाँ से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्ला, तो हज़रत मरियम कहने लगे ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और जब रब किसी को रिज्क देता है तो फिर बगैर हिसाबो किताब ही अता फरमाता है। तो
हजरत जकरिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए, तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने कर्म से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहां खड़े होके हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मदार पर जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आजम जलानी के मदार पर जाके दुआ मांगे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम के मजार पर जाता हूँ और करीबी मस्जिद में दो नफल पढ़ के उनके मजार पे दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयात है ना, इनको तो खोल के देखो ना, कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत जकरिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने जनाब मरियम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दुआ मांगी, बगैर मौसम के फल देखे। और ये भी अल्लाह का फजल है कि वलिया के पास देखे, तो वलियों वाला मसला हल हो गया। अगर वो नबी होती तो लोगों ने फटाफट कह देना ये तो नबियों की बात है। तो मेरे भाई अगर किसी को बगैर मौसम का फल चाहिए तो किसी वली अल्लाह के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, रब बेमौसम फल भी अता करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके नहीं आयात में इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है, और बेटा भी वो दिया जिन्होंने पंगोड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने ज़रूर पढ़नी है, ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मिट्टी की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ मैं, फूंक हजरत ईसा मारते हैं, और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूंक किसने मारी, उड़ाया किसने, मैं इतनी सी बात है इसको समझ लें। हजरत ईसा कहते हैं मैं मिट्टी की मूरत बना के उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, उड़ने लगती है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूं मादरजाद अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं, करता अल्लाह की इजाजत के साथ हूं। और इसी आयत में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूँ जो तुम घर में छोड़ के आते हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना के फूंक मारे तो रब उसमें जान पैदा कर दे, मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं, और फिर हजरत ईसा मादरजाद अंदर कोड़ों को आंखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्ज़त से, जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हजरत ईसा की शान है, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा, मेरी सरकार का आलम क्या होगा। एक जुमला मेरे आला हजरत का और बात बड़ी आला, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फूंक मार के मुर्दा जिंदा करते हैं ना, तो फरमाते हैं मेरे नबी तो एक नजर देख लें तो मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करते, मुर्दा दिल। और फिर एक हदीस सुन लें ताकि बात और वाजे हो जाए। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती काम बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा भी उसी तरह होंगे जिस तरह बनी इसराइल के नबी होते थे। तो अगर हजरत ईसा के अंदर ये ताकत है तो मेरे महबूब के गुलामों में भी बड़ी ताकत है। हजरत आसफ बिन बरखी अगर तख्त ला सकते हैं तो गौसे आजम भी बेड़ी ऊपर उठा लेते। इसलिए अकीदा और नजरिया कुरान है, हदीस है, हम चूंकि पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो लोग हमें फटाफट, आप यकीन करें बड़े साफ सुथरे अंदाज में लोग आके कहते हैं जी देखो जी ये किधर से आ गया, तो मैंने कहा ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान में ना हो
तो हमें बात करने की क्या जरूरत है। ये सारे अकायद और नजरियात वो हैं जो रब करीम ने खुद कुरान मजीद में हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाबरकत रखे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।